बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर जांच की टीमें तैनात की गई हैं। केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों से आने वाले लोगों की जांच जारी है। किसी भी तरह से राजधानी में कोरोना वायरस ना पसार पाए, इसके लिए इंतजाम भी व्यापक कर दिए गए हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश सिंह का कहना है कि रेलवे और बस स्टेशन साथ ही एयरपोर्ट व हाईवे पर लोगों की जांच के लिए टीमें तैनात की गई हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अगले चरण की वैक्सीनेशन की बारी है। इसमें 45 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के ऐसे लोगों का टीकाकरण होगा जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों को कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके साथ ही जिस बीमारी से वे ग्रसित हैं उसका एक प्रमाण भी देना होगा। उन्होंने कहा कि इसी के साथ 60 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण होगा, उन्हें भी ऐप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जल्द ही गाइडलाइंस आ जाएगी, उसके हिसाब से आगे की टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कल जो है भारत सरकार के साथ जो है वो मीटिंग के माध्यम से इस तरीके के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 45 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के जो भी व्यक्ति हैं और अगर वो कोमॉर्बिड हैं जिनमें डायबिटीज़ की शिकायत हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो या वो गुर्दे संबंधी किसी शिकायत से ग्रसित हो, कैंसर की समस्या हो या हार्ट डिजीज़ हो, उनका टीकाकरण जो है वो किया जाएगा। और टीकाकरण से पूर्व एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है वो प्रमाण पत्र भी देंगे कि वो इस बीमारी से पीड़ित है। उसके बाद और अगर वो कोई पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो उनका टीकाकरण जो है वो किया जाएगा इस तीसरे चरण में। न्यूज़ प्लस के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।